Dear students, welcome to 4D preparation and test session 2021. Dear students, आज हम test number 3 discuss करेंगे chapter number 5 में से, और इस test में हम दो paper discuss करेंगे, paper A और paper B. तो सबसे पहले MCQs देख लेते हैं paper A के. Number 1 है cathode rays consist of, cathode rays actually electron ही होते हैं, negatively charged हैं. Positive particle obtained from hydrogen is named as proton by. Proton discover तो Goldstein ने किया था, लेकिन hydrogen ion जो होता है उसको Rutherford ने नाम दिया था proton का. देखिए hydrogen के पास एक ही electron होता है और एक ही proton होता है, neutron तो इसके पास होता कोई नहीं. जब इस पर positive charge आता है तो इसका electron भी निकल जाता है. अब hydrogen के पास सिर्फ proton होता है, इसी वजह से जो hydrogen ions वाली rays हैं, positive rays हैं, इनको हम प्रोटॉन कहते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पोटेशियम, अगर हम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 19 है, अगर हम इसका मास देखें तो 39 है. अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का, तो 20 के न्यूट्रॉन आ जाते हैं. बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम एटम इमिट्स न्यूट्रॉन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. जो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक ने, वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से डिस्कवर हुआ था, जबकि जो इसकी प्रिडिक्शन थी वो कर दी थी पहले ही रदरफोर्ड ने 1920. नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड. रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हो गया था? देखिए रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द जब रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है. अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस और एटम कोलैप्स कर जाएगा, यानी एटम तो स्टेबल ही नहीं है रदरफोर्ड के मुताबिक. तो इसका आंसर सी बन जाएगा, इट डिडंट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स आर, वेव की प्रॉपर्टी, वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, वेव नंबर भी है, इसका मतलब आंसर डी बन जाएगा. बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड इन. बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में होती है. सबसे पहली सीरीज है लाइमन, लाइमन होती है अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर होती है विजिबल में, और बाकी सारी सीरीज जो है वो आईआर में होती है. विच पार्टिकल हैज ग्रेटर वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ का रिलेशन चेक करें मास के साथ, तो मास के साथ इसका रिलेशन डी ब्रोगली के मुताबिक इनवर्स है, यानी जिसका मास जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी. इसका मतलब है सबसे कम मास तो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, तो इसका मतलब है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, जो कि सेक्शन 2 है और सब्जेक्टिव का पार्ट है, सॉरी सेक्शन 1 है सब्जेक्टिव का. हाउ विल यू प्रूव दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसमें आप डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे जिसमें हम इन रेज के सामने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये उसका सामने शेडो बना देते हैं. तो ये वाला आप पूरा एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तब जाके आपको 2 नंबर मिल. E over M value positive rays obtained from hydrogen is 36 times less than that of the cathode rays. Actually, ऊपर चार्ज है और नीचे मास है. जितना किसी का मास ज्यादा होता है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम हो जाती है, आंसर छोटा आता है. क्योंकि हाइड्रोजन आइन का मास जो होता है वो 1836 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से. तो जितना किसी का मास ज्यादा होगा उतनी उसकी वेवलेंथ, उतनी उसकी सॉरी चार्ज टू मास वैल्यू कम हो जाएगी. तो आपने यहाँ पर बताना है कि हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअली हैवियर है 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से, यही वजह है इसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम है. क्योंकि जितना किसी का मास ज्यादा होता जाता है, मास नीचे है डिनोमिनेटर में, उतनी ही उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम होती जाएगी. तो और फास्ट न्यूट्रॉन में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, बुक में इनकी वो जो एनर्जीज दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो आपने बता देनी है स्लो की और फास्ट की, और फिर स्लो की इम्पोर्टेंस भी बता देनी है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं फिशन में, क्योंकि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ डू यू जस्टिफाई दैट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम गो ऑन इंक्रीजिंग. सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस के लिए फार्मूला लिख लेना है, और फार्मूला लिखने के बाद फार्मूला है 0.529 डिग्री एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर. तब ये फार्मूला लिख लेंगे तो इसमें आप डिफरेंट ऑर्बिट्स जो है उनका रेडियस निकालेंगे, यानी एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो आंसर आएंगे फिर आप डिफरेंस निकालेंगे R2 - R1, R3 - R2 इस तरह से, और फिर कंक्लूड करेंगे कि देखें आंसर देख के आप कंक्लूड करेंगे कि देखें ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ता चला जाता है.
कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड ऑर्बिट, ये आपने वेव नंबर वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर लेना है। वेव नंबर बराबर होता है 1.0967 या 978, जो 1.0 से है, जो राइडबर्ग कॉन्स्टेंट है, और फिर 1 over n square है, और फिर 1 over -1 over n2 square है, n2 square। अब n1 कितना आएगा सेकंड, यहाँ 2 का स्केयर आ जाएगा पहले वाले में, और जहां से जंप किया है यहाँ 5 का स्केयर आ जाएगा, 5 का स्केयर और 2 का स्केयर है, यहाँ राइडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर वेव नंबर का आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डन ऑन ब्रिलियम एटम, जब ब्रिलियम एटम के ऊपर आप अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करती है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। ब्रिलियम एटम के ऊपर जब आप अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, जब आप इनकी बम्बार्डमेंट करते हैं ब्रिलियम के ऊपर, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास 9 है, तो यहाँ पर एक नया एलिमेंट जो है कार्बन बन जाता है 6-12, और साथ यहाँ पर न्यूट्रॉन निकल जाता है। आपकी बुक में इसकी वो एक डायग्राम भी बनी हुई है, साथ आप वो भी बना देंगे। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और फिर ऑर्बिटल्स आप एग्जाम्पल दे देंगे, एस पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल है, और फिर आप बता देंगे कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स आप बता दें 3 होते हैं, डबल शेप्ड होते हैं, पी एक्स के साथ बना देंगे, पी वाई के साथ बना देंगे, और पी जी के साथ बना देंगे। हाउ विल यू रिलेट द एनर्जी ऑफ द मीटर लाइट विद इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन शो करने हैं जो प्लैंक्स क्वेश्चन में है, E is equal to H frequency, ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप बन जाएगा डायरेक्ट, और वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या बनेगा, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या आ जाएगा, C over वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के साथ यहाँ पर इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। डिफाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को आप डिफाइन कर देंगे, और फिर साथ बता देंगे कि विजिबल लाइट जो है उसमें कौन कौन सी रेडिएशन मौजूद होती है। इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पर आपने डी ब्रोगली की इक्वेशन डिस्कस करनी है, और डी ब्रोगली की इक्वेशन पहले तो आपने ड्राइव करनी है, थोड़ा सा आपने आइडिया देना है कि ड्यूअल नेचर है क्या, उसके बाद आपने इसको ड्राइव करना है, और ड्राइव करने के बाद आपने इसको मैक्रो और जो माइक्रो पार्टिकल है दोनों के ऊपर अप्लाई करना है। पहले बताना है कि देखिए माइक्रो के ऊपर जब हमने किया इलेक्ट्रॉन पे, तो वेवलेंथ इतनी आ गई कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब मैक्रो के लिए करते हैं, जैसा कि स्टोन वाली एग्जांपल है बुक में, तो वेवलेंथ इतनी काम आती है कि मैं ये नहीं कर सकते, फिर आपको 4 नंबर मिलेगा। व्हाट आर क्वांटम नंबर, आपने डिफाइन करना है, और फिर ब्रीफली एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस करना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सब शेल्स के बारे में बताता है, एसपीडीएफ और उनकी शेप्स, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, एल की वैल्यू से आपने रिलेट करना है कि एल की वैल्यू 0 है तो एस होता है, इस तरह से ये सारी वैल्यूज भी बताएं, फिर इनकी आपने शेप्स भी बता देनी है, और शेप्स बताने के बाद आपने इनमें इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करके फार्मूला बता देना है, 2 into 2l+1, इस तरह से आपने ये सारी बातें 1 by 1 स्टेप वाइज बता देंगे, फिर ये ठीक। इस तरह से आपने एक्सटेंसिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पेपर बी देख लेते हैं। पेपर बी में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका, देखिए मैक्सिमम चार्ज टू मास वैल्यू, चार्ज ओवर मास है, जितना किसी का मास थोड़ा होता है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू ज्यादा होती है, तो सबसे कम मास हाइड्रोजन का है, इसका मतलब है हाइड्रोजन की चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस होती हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, तो ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। मास ऑफ द प्रोटॉन इन किलोग्राम, प्रोटॉन का मास होता है 1.767 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ये किलोग्राम में ये मास होता है, ये वाला जो है ये न्यूट्रॉन का मास है। पास्टन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू, जब पहली सीरीज लाइमन है, लाइमन में हायर लेवल से 1 में आता है, दूसरी सीरीज जो है बाल्मर है उसमें सेकंड में आता है,
पासिंग जो है इसमें थर्ड में जंप करके आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड में आता है तो ये पासिंग सीरीज आएगी। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 6d ऑर्बिटल। 6 के लिए देखें n तो 6 आना ही आना है, अगर n 6 आएगा तो ये वाला आंसर तो नहीं बन सकता। अब d है, l 0 हो तो s होता है, l 1 हो तो p होता है। इसका मतलब है l 1 वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये p है, ये 6d है। l 2 हो तो d होता है, इसका मतलब है l 2 आएगा यहां पर, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। d सबशेल कंसिस्ट ऑफ, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 होते हैं, ये p के ऑर्बिटल्स हैं, जबकि s में 1 ऑर्बिटल और जो d fs में 7 है, ये वाले जो हैं ये d में आ जाएंगे। अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द नाइट्रोजन एटम। जब नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, ये 714 है, जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो न्यूट्रॉन का भी मास ऐड करें तो 715 बन जाएगा। अब यहां से जो है वो एक नया एटम बनता है, बोरॉन 511। अब 7 में से आप 5 निकाल दें तो इसका मतलब है बाकी 2 बचेगा, और 14+1 15 में से 11 4 बचेगा, और ये 2 और 4 एटॉमिक नंबर 2, और ये मास 4 किसका होता है, हीलियम का, यानी अल्फा पार्टिकल्स का, तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। व्हेन 4s ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है n प्लस l रूल के मुताबिक। यहां n प्लस l है तो n प्लस l इसका 4 आएगा, 3d का 5 आएगा, तो यहां चले जाएगा। इसका भी 5 ही आता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब 2 में n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो हम उसको, उसकी एनर्जी लो होती है जिसमें एन की वैल्यू कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाएगा यहां से। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन। शो दैट कैथोड रेज हैव अ मोमेंटम। मोमेंटम में आपने वो पेडल व्हील वाला एक्सपेरिमेंट बताना है, और ये आपने ड्राइंग भी करनी है कि इस तरह से स्मार्ट के सामने स्मॉल पेडल व्हील रख दिया जाए तो ये उसको रोटेट कर देती है, इसका मतलब है इनका मोमेंटम है, इनके पास एनर्जी है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है फॉर 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन आप लिख सकते हैं वो जो इसकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है, यानी आप हीलियम की बम्बार्डमेंट करवा दें ब्रिलियम के ऊपर, एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन आप ये वाला लिख सकते हैं 4 और 9। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा दें, 714 है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा दें, ये दोनों ही मौजूद है तो ये दो रिएक्शन हो जाएंगे। एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्सॉर्प्शन दोनों स्पेक्ट्रम का जिक्र करना है कि एक में हम रेडिएशन देते हैं तो वो अब्सॉर्ब होती है, चेक करते हैं। एटॉमिक एमिशन में आप हीट करते हैं तो जो रेडिएशन एमिट होती है उनको स्टडी करते हैं। फिर दोनों में आप बताएंगे किसमें ब्राइट लाइन्स होती हैं और किसमें डार्क लाइन्स होती हैं, किसका बैकग्राउंड ब्राइट होता है और किसका डार्क होता है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। याद रखिएगा जब भी डिफ्रेंशिएट करना हो तो इस तरह पैरेलल रख के करते हैं, पॉइंट बना के इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना हो। What is meant by the fine structure of the hydrogen? ये जो drawbacks हैं बोहर के मॉडल के, जो fine structure को multiple structure भी कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम high resolution spectrophotometer में देखें तो each line is divided into several lines। इसका मतलब है एक quantum number जो बोहर ने दिया था, principal quantum number, वो sufficient नहीं है इसको explain करने के। Calculate the wave number value of Lyman series 1, N1 और N3, यानी जब 3 से जंप करके 1 में आएगा तो आपने जो वेव नंबर है किसके बराबर होता है, यहाँ रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लगानी है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू के बाद 1/N1² की वैल्यू लगाएं। N1² कितना है, 1 है, और N2 कितना है, 3 है। यहाँ पर 3 से जंप करके वो आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे वेव नंबर वाले। के बाद है हाउ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड। ये आपने डेविसन और जर्मर का बताना है जो डी ब्रॉली इक्वेशन के नीचे दिए हुए हैं कि इन्होंने निकल डिफ्रैक्शन से किया था, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बता दें कि निकल डिफ्रैक्शन से करके इस तरह से उन्होंने ड्यूअल नेचर को वेरीफाई कर दिया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप्स के बारे में बताता है, सब शेल्स की, हमें सब शेल्स जो है उनमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है।
शेप्स बताएगा सब सेल्स की, सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन का फार्मूला भी बता देगा। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 21 एटॉमिक नंबर में सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन दो जाएंगे, 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर, फिर 3s2 3p6 ये 18 हो जाएंगे, उसके बाद 4s2 और फिर आ जाएगा यहाँ पर 3d1 तो ये 21 हो जाएंगे यहाँ पर। बट आर स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स, ये डिफरेंशिएट करना है, इनकी एनर्जीज बता देनी और बता देना है कौन से ज्यादा इफेक्टिव है कौन से कम इफेक्टिव है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला आपने जो वर्क डन वाला फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी वाला वो माइनस उसके फार्मूले में आता है माइनस जी स्क्वायर वाला, तो वो वाला फार्मूला लिख के बता देना है कि क्योंकि वो अंडर दी अट्रैक्शन आ जाता है इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो हो जाती है, इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा तो वो लेस देन जीरो हो जाएगा। एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, रदरफोर्ड मॉडल इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड जो है पहले तो उसका एक्सपेरिमेंट बताना है कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चाहिए था, गोल्ड फॉल चाहिए था, उसकी थिकनेस बता देंगे, टारगेट क्या था और अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, ये सारी चीजें यानी सोर्स भी बताना है अल्फा पार्टिकल का, टारगेट भी बताना है, टारगेट की थिकनेस बतानी है, फिर उसमें आपने ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुजर गए हैं उसमें से और कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट किए बड़े एंगल से और एक पार्टिकल ऐसा था तो वापस भी आ गया, फिर कंक्लूजन बतानी है कि ज्यादातर पार्टिकल जो सीधे गुजरे इसका मतलब है ज्यादातर पार्ट एम्प्टी है और जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन की है उनको कंक्लूड भी कर देना है, एंड पे ड्रॉबैक बता देना है कि रदरफोर्ड के मुताबिक तो एटम स्टेबल ही नहीं है, एनर्जी रिलीज करते हुए वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, और दूसरी बात इसने जो की थी वो स्पेक्ट्रम की थी, रदरफोर्ड के मुताबिक जो है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है हालांकि एटम का जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम। स्टेट एंड एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि एनर्जी जो है वो एमिट होती है डिसकंटिन्यूस फैशन से, फिर आप एनर्जी का और पहले फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन बताएंगे कि डायरेक्ट रिलेशन है, फिर इसको साथ एनर्जी के यूनिट फ्रीक्वेंसी के यूनिट बताएंगे, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करके जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो वो भी साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे सी ओवर लैम्बडा, यहाँ पर आप वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन भी बता देंगे और वेवलेंथ को डिफाइन कर देंगे, इसके यूनिट भी बता देंगे, और फिर जो वेवलेंथ होती है वो वेव नंबर का इनवर्स होती है, तो यहाँ पर आप वेव नंबर भी ऐड कर देंगे, वेव नंबर की डेफिनेशन करेंगे और साथ इसके यूनिट बता देंगे, और फिर एंड पे कंक्लूड कर देंगे कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से और वेव नंबर से डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन है। इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन सारा जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच।